सलामुअलैकुम आदाब, मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सेफ न्यूज लाइव। आइए देखते हैं आज की खास खबर। दोस्तों, इस समय आपके स्क्रीन पर जो वीडियो चल रहा है, ये वीडियो उस शर्मनाक घटना का है जो घटना कल दोपहर में घटित हुई। दरअसल आप स्क्रीन पे वीडियो में देख सकते हैं कि एक ऑटो उसने एक ट्रैफिक हवलदार को टक्कर मार दी। यह घटना ऐसी है, कल दोपहर के समय तुलिंज ब्रिज के नीचे की नीचे ड्यूटी पे तैनात ट्रैफिक हवलदार ने जब ऑटो को रोकने की कोशिश की, तब ऑटो ने रुकने के बजाय ट्रैफिक हवलदार को टक्कर मारते हुए आगे निकल गया। हम सभी जानते हैं वसई विरार परिसर अंतर्गत विशेषकर नाला सुपारा में अवैध ऑटो बड़ी पैमाने पर है, और ऑटो रिक्शा वालों की मनमानी ये भी जग जाहिर है। फिर चाहे अभी कई बार मामले उठे हैं कि ऑटो रिक्शा के जो भाड़े हैं उनको लेकर भी अभी हर रोज विवाद सामने आता है, और ऑटो रिक्शा वालों की मनमानी इतनी है कि अगर किसी सवारी पैसेंजर से अभी कभी किसी का झगड़ा हो जाए तो एक साथ कई ऑटो वाले उस पैसेंजर को मारने तक से नहीं चूकते हैं। और कल तो हद ही हो गई जब इस ऑटो वाले ने एक ट्रैफिक हवलदार को टक्कर ही मार दी। ताकि इस घटना के बाद अब तक किसी तरह की पुलिस कंप्लेन की कोई शिकायत सामने नहीं आई है, लेकिन फिर भी यह घटना काफी निंदनीय है, और पुलिस को चाहिए कि ऐसे मुंहजोर ऑटो रिक्शा और ड्राइवर के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करें। अभी के लिए इतना ही, नमस्कार। हमारे चैनल सेफ न्यूज लाइव पे अपने व्यापार एवं सेवा से संबंधित विज्ञापन हेतु मोबाइल नंबर 7385952786 अथवा 7738267786 पर संपर्क करें।